अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मलिका। एक बार फिर से वेलकम है आपका मलिका के किचन में। तो आज हम सीखेंगे मटर और अंडे की करी बनाना। तो चलिए लेके चलते हैं आपको अपने किचन में और बनाते हैं। हाँ तो फ्रेंड, मटर और अंडे की करी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। ये हम लेंगे कटी हुई प्याज एक, क्योंकि इस टाइम प्याज थोड़ी महंगी है तो आप थोड़ा लीजिए, जब सस्ती हो जाए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये कटी हुई प्याज तड़का लगाने के लिए, और ये दो टुकड़े प्याज हम मसाले में पीसेंगे। और ये 15 कलियां लहसुन की ले लिया हमने। ये हरा मिर्च लिया है हमने, आप इसमें रेड चिली भी यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा कम मिर्चा भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लिया मैंने, हल्दी लिया, नमक लिया, तेज़पत्ता लिया, ये दालचीनी लिया छोटा सा टुकड़ा, और ये जावित्री लिया बहुत थोड़ा सी क्वांटिटी में, दो लौंग लिया, बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची, काली मिर्च और जीरा, ये दो तेज पत्ते। इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे ये पीसी हुई धनिया, और ये कटी हुई धनिया ये गार्निश के लिए। और ये हरी मटर की ग्रेवी बन रही है अंडे के साथ, तो हरी मटर, और ये मैंने बॉयल करके पहले से ये अंडे छील के रखे हुए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको पीसेंगे सारे मसाले को। तो जो सारे मसाले हमें पीसने हैं उसको बाउल में डालते हैं। प्याज, तेज पत्ता और दालचीनी छोड़ के बाकी ये जो मसाले हैं खड़े, ये सारे मसाले हम पीसेंगे। और इसमें हम करते हैं थोड़ा सा पानी ऐड, ताकि मसाला अच्छे से ये पीस जाए। अब इसको कर देते हैं बंद। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा मसाला पीस के रेडी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब जलाते हैं गैस और बनाना शुरू करते हैं। और इस पर हमने ये चढ़ा दिए कढ़ाई, और इसको थोड़ा सा हीट होने देते हैं। अब ये थोड़ा सा हीट हो रही है, अब इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा ऑयल नुकसान करता है हार्ट के लिए। अब इसको होने देते हैं थोड़ा सा गरम। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हो गया है तेल हमारा गरम। अब इसमें ये हम डालते हैं, और ये तेज पत्ता डालते हैं, और इसके बाद हम देखिए ये हमारे प्याज हमने डाल दिए। अब ये धीरे धीरे गुलाबी होने तक इसको हम बनाएंगे। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारे प्याज जो है वो ब्राउन हो रही धीरे धीरे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। मुझे देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इसमें हम एक काम कर सकते हैं, अंडे को कुछ चाहे तो हम इसमें प्याज के साथ डाल के इसको हम इसको भी ब्राउन कर सकते हैं। पर वाइट वाइट अंडे ग्रेवी में अच्छे दिखते हैं, उनका लुक अच्छा आता है। इस वजह से मैंने उनको अंडे को फ्राई नहीं किया है। आप चाहें तो ऑयल में उनको हल्का सा फ्राई करके फिर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जब तक प्याज रेड हो रही है तब तक इसको हम जो है थोड़ा सा इसमें कट लगा देंगे, तो ये अंडा फटने का डर नहीं रहता है जब इसको हम थोड़ा सा कट लगा देंगे।
ये देखिए प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम ये मसाले ऐड करते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे ये सारे अपने टेस्ट के हिसाब से, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें 1/4 स्पून हम डालेंगे टर्मेरिक पाउडर, और इसमें 1 स्पून डालेंगे ये कोरिएंडर पाउडर, ये धनिया पाउडर, इसको हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पकने देते हैं। ये फ्रेंड देखिए, अब ये धीरे धीरे जो है ये मसाला हमारा भूनने लगा है। जब ये पूरी तरीके से कढ़ाई में ये तेल ऊपर तक आने लगता, तेल छोड़ने लगता है, समझते हैं कि हमारा मसाला भून गया है। थोड़ा और भूनेंगे अभी, उसके बाद इसमें हम फिर ऐड करेंगे मटर। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये मसाला जो है ये इसमें तेल छोड़ रहा है, तो अब जो इसमें हम ये मटर को ऐड करेंगे। हमने इसमें ये सारी मटर बहुत से अच्छी पहले से, इसमें हमने इसको ऐड कर दिया। और ये जो है फ्लेम को हम फास्ट सिम कर देंगे। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे ताकि ये मटर जो है थोड़े गल जाए। फ्रेंड्स, अगर हम पहले प्याज के साथ मटर को पहले भून लेते, उसके बाद अगर हम मसाले इसमें ऐड करते, तो फिर क्या होता है कि वो मटर बहुत भरते जैसे होने लगते हैं, टूट जाते हैं मटर, क्योंकि वो ज़्यादा गल जाता है। इसलिए पहले हमने मसाला भूना, उसके बाद फिर हमने मटर डाला। अब इसको हम ढाक देते हैं, थोड़ी देर पकने देते हैं। जब ये भाप से गल जाएगी थोड़ी, फिर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हाँ तो फ्रेंड चलिए देखते हैं क्या हाल है। देखिए ये धीरे धीरे ये गल रहे हैं। अगर ये देखिए नीचे पकड़ रहा है मसाला, क्योंकि इसमें पानी नहीं है, अब ये भाप से गल रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि वो गल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐड करेंगे इसको गलाने के लिए। इसको हम ढक देते हैं। हाँ तो फ्रेंड चलिए देखते हैं क्या हाल है। अभी भून चुका होगा, तेल छोड़ने लगा है ये मसाला, और ये अच्छे से आप भून दीजिए। मटर भी गल गई है और ये मसाला भी भून चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। जितनी ग्रेवी हमें रखनी है ठीक उतना हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालेंगे क्योंकि अभी फिर अंडे डालेंगे तो 2 मिनट उसको भी पकाने में लगेंगे, तभी उसके अंदर भी मसाले जाएंगे ना। तो थोड़ा सा इसमें हम पानी बढ़ा के डालेंगे, बाद में इसको हम ठीक कर लेंगे। इसमें हम डाल देते हैं ये अंडे। अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब इसमें उबाल आ जाएगी या आपको ये लगे कि बस इतनी ही ग्रेवी की हमको ज़रूरत है, तो फिर आप बंद कर दीजिए गैस। हाँ तो फ्रेंड देखिए, अब इसको हम देखते हैं। हाँ देखिए, ये अब रेडी हो चुका है। अब इसको हम गैस कर देते हैं ऑफ, और इसको फिर हम बॉल में निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने बाउल में इसको निकाल दिया है
देखिए कितना अच्छा इसका कलर है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी अच्छा लगेगा। इस पर देखिए मैं ये धनिया की पत्ती जो है इसको गार्निश कर दे रही हूँ। देखिए देखिए कितना देखने में अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और खाने में उतना ही लजीज होगा जितना ये देखने में अच्छा है। और इसके आगे आप जो चाहो वो रेसिपी आप कमेंट्स में पूछो और मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो आपको बना के दिखाऊँगी। और प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगे ये रेसिपी मेरी मटर और अंडे की करी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा मुझे। थैंक यू।